वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। इंसान की अजम से जब दूर किनारा होता है, तूफान में टूटी किश्ती का एकमात्र भगवान सहारा होता है। इस बात को याद रखिएगा, हमने क्यों बोला। अगर आपको मैथ नहीं आती है, आप सोचते हैं कि आपके कोई नहीं है, आपको मैथ नहीं आएगी, बहुत मुश्किल है, तो आज से ये भूल जाइए। मैथ आसान है, आपको आएगा, ये हमारी गारंटी है। जिसके कोई नहीं होता उसका भगवान साथी होता है ना। तो चलिए, लेकिन भगवान पर ही नहीं छोड़ना है, क्योंकि भगवान ना पढ़ने आएंगे और ना ही आपको कुछ देने आएंगे। जब तक आप कुछ करोगे नहीं, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। लकीरें हमें ही खींचना पड़ता है, भगवान उसमें केवल कलर भरता है। जैसे अगर आपको ड्राइंग करना है कॉपी में, तो आपको ड्राइंग खुद करना पड़ेगा, उसको कलरफुल बनाएगा भगवान। तो उस तरह से अगर आप कुछ काम करोगे ना, तो फिर भगवान उसको कलरफुल बना देंगे। तो चलिए हम लोग भी करते हैं। साधारण ब्याज आप शुरू करेंगे। साधारण ब्याज मीन्स सिंपल इंटरेस्ट, है ना, यही तो लिखा है। होता क्या है, कक्षा पांच की गणित आप पढ़ रहे हो, हाई फाई नहीं, कक्षा पांच की गणित, तो उसी लेवल में रहेंगे हम, उससे ज्यादा नहीं। कंपटीशन के बाद में उससे लेवल आगे बढ़ाएंगे। साधारण ब्याज, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ब्याज है ना, आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन कम समझ में आता है। आप अक्सर रूम लेकर रेंट पे रहते हैं, रेंट जानते हैं, किराया कम लोग जानते हैं, है ना। रेंट पर रूम लेकर रहते हैं, उसका हर महीने में मकान मालिक को आपको किराया देना पड़ता है। नहीं देते हैं तो फिर चार बात आके बोलते हैं, है ना। तो वो क्या होता है, किराया होता है ना। उसी तरह से आप क्यों किराया देते हैं, क्योंकि आप किसी दूसरे के रूम में रहते हैं, मजबूरी है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, है ना। तो किराया आपको, ये ब्याज भी एक प्रकार का किराया है। अगर आप बैंक से लोन ले रहे हो, या फिर एक प्रकार से ऐसे बोलें, किसी सेठ साहूकार से आप कुछ पैसे ले रहे हैं, तो उस पैसे का प्रयोग करने के लिए आपको उसको कुछ किराया देना पड़ता है, कुछ रेंट देना पड़ता है, और उसी को साधारण ब्याज कहते हैं। समझ गए। इसी में आता है एक आपका चक्रवृद्धि ब्याज, क्या होता है ना। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें क्या होता है, उसमें ब्याज का भी ब्याज देना पड़ता है आपको, ब्याज का ब्याज। मतलब जैसे आपका इस महीने का मान लेते हैं कि किराया जो है वो एक महीने का 2000 रुपया है, ठीक है। तो आपने इस महीने का जून का किराया नहीं दिया, तो जुलाई में क्या हो जाएगा, जुलाई में आपका जो है 2000 रुपया जून का और 2000 जुलाई का 4000 रुपया हो गया, है ना। 4000 तो हो गया, लेकिन वो क्या करेंगे, अब आपने इसमें भी नहीं किराया दिया, तो क्या होगा, अब इसमें ब्याज लगाना शुरू कर दिए। मान लेते हैं आपने जो जून में किराया नहीं दिया था, उसका उन्होंने क्या किया, ब्याज लगा दिया 10%। 10% मतलब 100 रुपए पे 10 रुपया, 1000 पे 100 रुपया, तो इस पे 200 रुपए इन्होंने क्या किया, ब्याज लगा दिया। जो आपने जून का किराया नहीं दिया था, 200 इन्होंने ब्याज लगा दिया, तो अगले महीने में अब आपका जून का किराया कितना हो गया, 2200 हो गया ना। और फिर जुलाई का 2000 किराया, अगले महीने का ये हो गया जुलाई का 2000 किराया। अब आप किसी प्रॉब्लम से अगले महीने में भी नहीं देते हो, तब क्या होगा, अब ब्याज का ब्याज लगेगा। जो 200 रुपए ब्याज है ना, अब इसका भी ब्याज बनेगा, यानी अगर 10% इसका ब्याज निकालेंगे तो 2200 ये हो जाएगा, और 10% मतलब 100 रुपए में 10 रुपया, 20 रुपया इसका, मतलब 220 और 200 ये कुल मिला के 420 ब्याज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 420 और अलग से ब्याज हो जाएगा। तो कंप्लीटली कितना होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, 200, 200, 400 और 420 ब्याज हो जाएगा। इसको जोड़ोगे 4200 आएगा, 4200 में 400 जोड़ोगे 4620, फिर आपको कितना देना पड़ेगा, 4620 रुपया हो गया। समझ में आया कैसे, मतलब ब्याज तो 200 रुपया लगा था पहले, मेन जो जुलाई का जून का किराया था 2000 रुपया, उसका ब्याज लगा 10%, तो 2200 हो गया। आपने जुलाई में भी किराया नहीं दिया, तो जो 2200 था उस पर भी 10% अगले महीने में ब्याज लगा, और जो जुलाई का किराया था मतलब अगले महीने का, उस पे तो लगेगा ही, तो इस पे भी 10% लगा, इस पे भी लगा, मतलब ब्याज का ब्याज लग गया। ये क्या बन गया, चक्रवृद्धि ब्याज बन गया, ब्याज का ब्याज। तो ये सिंपल सी बात है जो आप लोग समझ चुके हैं बहुत अच्छे से। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ टॉपिक लेकर के चलेंगे। देखिए, आज की क्लास का हम किसी का कमेंट नहीं पढ़ेंगे, इसमें आपका कोई भी कमेंट नहीं पढ़ा जाएगा, बिल्कुल क्लास की क्वालिटी आज आपको रोज से हटके लग रही होगी, है ना, एकदम बेटर लग रही होगी। तो आगे देखिएगा, अब हम लोग सवाल करेंगे। परिभाषा आप समझ चुके हो, देखिए ये बेसिक कांसेप्ट है बाबू, कहीं बहुत कम ही जगह मिलेगा ये,
ठीक है? तो कभी नहीं भूलने वाला कॉन्सेप्ट होता है, गारंटी के साथ आपको हम गणित सिखाते हैं, बस आप जुड़े रहो। आपने वो गाना तो सुना होगा ना, उसको हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले सवाल देखिए। कह रहा कि यदि 100 रुपए का एक वर्ष का ब्याज 4 रुपए है, 100 रुपया का 100 रुपीज का 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 4 रुपीज है, तो फिर आपसे पूछ रहा है कि 6 ईयर का यानी कि 6 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना रुपया होगा, ये आपको बताना है। तो भाई सिंपल सी बात है, 100 रुपया का जो एक वर्ष का ब्याज है वो कितना है, एक वर्ष का ब्याज 4 रुपया है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है। 2 वर्ष का 8 रुपया हो जाएगा, 3 वर्ष का 12 रुपया, 4 वर्ष का 16 रुपया, इसी तरह से आपको क्या करना है, इसमें 4 से गुणा कर देना है, 24 रुपया हो गया, है ना। एक वर्ष का 4 रुपये तो 6 वर्ष का 24 रुपये, बहुत आसान था ना, बिल्कुल मैथ आसान बना देंगे, बस आप कभी छोड़ के मत जाना। वो गाना तो आपने सुना है ना, बहुत पुराना, परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, है ना। देखो गड़बड़ हो गया ना, इसी में गिर गए अभी तो। देखिए हाँ एक बात और बता दें, पुराने बातों में कुछ बात ही अलग होती है, आजकल के तो ऐसे सॉन्ग्स आते हैं कि खत्म होने के बाद याद आता है, अरे यार क्या था इसमें, है ना। अगले सवाल पे चलें, आप सभी लोग कर ले जाएंगे, बिल्कुल आसानी से कर ले जाएंगे। देखिए यदि सवाल हम आपको दिखा देते हैं फटाफट जल्दी से शॉर्टकट में, 1000 रुपीज का 1 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है 1000 रुपीज है, तो 3 ईयर का कितना होगा। भाई सिंपल सी बात है, इसमें भी कुछ भी नहीं करना है, बस वैसे जोड़ लेना है, 1 साल का जो है वो 1000 है, तो 3 साल का 3000 हो जाएगा, है ना, बहुत आसान। लेकिन अब हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, जब इसमें हमें साधारण ब्याज निकालना हो, मतलब समय भी दिया हो, दर भी दिया हो, सब कुछ दिया हो, तो कैसे करेंगे, देखिएगा उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कह रहा कि रानी ने महिमा से 15% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये उधार लिया, और 5 वर्ष बाद रानी महिमा को कितना रुपया वापस करेगी। ऑप्शन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग इसको करेंगे। पहला ऑप्शन है कि 800 रुपया वापस करेगी, दूसरा है 820 रुपया, 875 रुपया या 888 रुपया। भाई देखिए लड़कियों का खर्चा कुछ ज्यादा होता है, अपना उधार विधार चलता रहता है ना। तो 500 रुपया उधार लिया 15% वार्षिक ब्याज की दर से, अब आप ये बताइए कि 5 वर्ष बाद कितना रुपया वापस करेगी। सिंपल सी बात है, लिया कितना है 500 रुपया, मूलधन कितना है 500 रुपया, दर कितना है, रेट रेट जो है वो 15% वार्षिक है, मतलब 1 साल का 15% ब्याज पड़ेगा, यानी 100 रुपए पे 15 रुपया, तो 100 रुपए पे 15 रुपया, तो 500 रुपए पे 75 रुपया, मतलब हर साल जो है 75 रुपये का ब्याज पड़ेगा। समय कितना है, समय है कितना 5 वर्ष। तो जब इतना कुछ मिल जाता है तो आप एक सूत्र लगा देते हो, ये साधारण ब्याज बराबर कौन सा, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटा 1000। तो मूलधन कितना है, टोटल अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 500, रेट कितना है 15, टाइम कितना है 5 ईयर, और ये 100 होगा, माफ करिएगा 100 होगा, काट देंगे तो ये 5 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 5×5 25, 15×5 75, हासिल आया कितना 7, 15×2 30, 37 रुपया, मतलब 500 रुपया दे करके उस लड़की ने 375 रुपये इससे कमा लिया। कमा लिया मतलब ज्यादा ले लिया, यानी ये मत सोचिएगा कि 500 रुपया दी थी तो 5 वर्ष बाद 375 रुपये लेगी, ना कम नहीं, घाटा नहीं करेगा कोई अपना, ये तो ब्याज है उसकी 375, लिया था जो टोटल उसको भी तो देना पड़ेगा, ये 500 और प्लस 375 यानी कि 875 रुपये लौटाएगी वो, समझ में आया ना। बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, कमेंट करके अवश्य बताइएगा, अगर नहीं समझ में आया तो, अगर अभी तक लाइक नहीं किया शायद कहना ना पड़े, विशेष रिक्वेस्ट है तुरंत लाइक कर दीजिएगा। और हाँ
अगर क्लास को पूरा देखेंगे तो समझ में आने की गारंटी हमारी होगी। बस आप लोग को देखते रहना है, कहीं नहीं जाना है, बने रहना हमारे साथ। तो मित्रों, आपको ये एक नया सेशन कैसे लगा आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे। ये मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी और इसे आप 10 में से कितना मार्क्स देना चाहेंगे, 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे समझ बूझ के आधार पर। और हाँ, व्हाट्सएप नंबर पर JOIN ज्वाइन 0 लेवल मैथ लिख करके भेजना है। अगर आप रेगुलर देखना चाहते हो, प्रत्येक दिन देखना चाहते हो, वास्तव में आपको गणित सीखना है, हम आपको गणित में बिल्कुल मास्टर बना देंगे। 0 में से क्या बनाएंगे, हीरो, 0 से हीरो, शादी वाला सलमान खान नहीं, पढ़ने में हीरो, ठीक। तो इसके साथ साथ आप बिल्कुल फ्री की कुछ स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं, विजिट करें pvrstudy.com। और इतना ही नहीं, कुछ पेड क्लास की वीडियो को फेसबुक पर बिल्कुल फ्री में अपलोड किया जाता है, जिसे देखने के लिए आप फेसबुक पर सर्च करें pvrstudy, जो पेज आएगा उसे अवश्य लाइक कर दीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा, आप देखते रहेंगे बिल्कुल मौज मस्ती के साथ। तो हंसते रहें, खेलते रहें, पढ़ते रहें और पढ़ाते रहें। दोस्तों को इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो, अगर आपने ज्वाइन किया है तो किसी को मत शेयर करिएगा इसको, ठीक है, क्योंकि आज की क्लास वैसे स्पेशल नहीं है, यूट्यूब पे पब्लिश होगी हमें लग रहा है, तो अवश्य सब लोग देखेंगे। स्पेशल होती है तो सभी लोग नहीं देख पाते, जो ज्वाइन किए होते वही लोग देखते हैं। और हाँ, अगर आप इस क्लास को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया pvrstudy को यूट्यूब पर अवश्य सब्सक्राइब करें। pvrstudy ग्रुप भी एक दूसरा चैनल है, उसे भी कर लीजिएगा। मैथ आसान है एक चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सभी आपके अपने चैनल हैं, ठीक ना। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी लिंक दी गई है, उनको फॉलो करिएगा अपनी जरूरत के अनुसार, क्योंकि नदी में बहुत सारा पानी होता है, हम उतना ही लेते हैं जितना हमें जरूरत होती है ना, तो बस उतना ही लीजिएगा जितना आपको काम होगा। चलते हैं आज के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभारी हैं हम आपके जो आप हमें इतना देर तक देखे, है ना। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। शेयर करके जाइएगा क्लास को भाई, थैंक यू के बाद भी बोल रहा हूँ इसलिए।